Assalamualaikum, this is Saima's Cooking Secrets. आज मैं आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ. ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बनते हैं. ये तंदूरी स्टाइल में हम बनाएंगे, लेकिन मैं तवे पे आपको बना के दिखाऊँगी. चलें इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं. हाफ के जी आलू लिए लेकर मैंने उन्हें बॉयल करके छिलके उतार के रख लिया है. 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 अदद सब्ज मिर्च लेके बारीक कटिंग कर ली है, और 1/2 गड्डी तकरीबन ये धनिया की है इसको मैंने कटिंग कर ली है, 1 मीडियम प्याज लेके उसको बारीक कटिंग कर लिया हुआ है. ऑयल पराठे फ्राई करने के लिए ज़रूरत होगी, और मैंने आटा नॉर्मल जिस तरह हम घरों में गूंदा जाता है उस तरह मैंने आटा पहले से गूंद के रख लिया हुआ है. और चलें अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं. आलू मैं फॉग की मदद से मैश कर लूँगी. सारे आलू इस तरह आप मैश कर लें. आलू मैश हो गए, अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी. नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला, ज़ीरा, सुरख मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लहसुन इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है इससे, प्याज और धनिया. अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे. आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है, अब मैं पराठे बनाती हूँ. अब हम पेड़ा लेंगे, इसका थोड़े बड़े साइज का पेड़ा लेना है. ऐसे थोड़ा सा फुला के अब इसमें आलू का मिक्सचर रखेंगे. इस टाइम पे आप स्पाइसेस चेक कर सकते हैं कि आपके हिसाब से अगर कम हो तो और डाल लें, नमक या मिर्च. अब इसको इस तरह पेड़ा बनकर तैयार है. आहिस्ता आहिस्ता हाथ की मदद से अब इसको आहिस्ता आहिस्ता फैला लेंगे. थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लें ताकि ये आटा चिपके ना. बेलन की मदद से अब इसको मज़ीद फैला लें. आपने जितने भी पराठे बनाने हों इसी तरह सारे बेल के रख लें और फिर फ्राई करें. तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. अब जो पराठा मैंने बेल के रखा हुआ है उसको डाल देते हैं तवे पे. ऑयल इस पे भी डाल देंगे. अब साइड पलट देंगे. ये देखें बिल्कुल तंदूर पे भी जो आलू के पराठे लगते हैं वो भी इसी तरह बने हुए होते हैं, बिल्कुल वैसा बना है. अब ये हमारा बन गया. इसको मैं इसी तरह बाकी सारे पराठे भी हमने तैयार कर लेने हैं. व्यर्स गर्मा गर्म मज़े के पराठे बनकर तैयार हैं. ये आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसमें जब जो हम गार्लिक इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है. आप ज़रूर इसको ट्राई करें, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, और अपने दोस्तों से रेसिपी ज़रूर शेयर करें. अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले. और आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना है. और अगर किसी किस्म की रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो पूरी तरह बनाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.